हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त और साथी संजय उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना, रिज्यूमे अपलोड करना अपने वीडियो में बताता हूं, और इस वीडियो में भी हम आपको एक नए जॉब पोर्टल साइट के बारे में बताएंगे और उस पे रजिस्ट्रेशन करना और अपना रिज्यूमे अपलोड करना सिखाएंगे। अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देखकर इसको क्लिक किया है तो ये मतलब है कि आप या तो जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब चेंज करने के फिराक में लगे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका मकसद जरूर पूरा होगा। दोस्तों, आज जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस वेबसाइट का नाम है shine.com। हाँ दोस्तों, shine.com ये 2008 से भारत में ऑपरेटिव है और ये हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप द्वारा ऑपरेटिव और मैनेज होती है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब पोर्टल है, बिल्कुल जेन्युइन है। इस पर रजिस्टर करना बिल्कुल फ्री है और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने आप को इस जॉब पोर्टल पर रजिस्टर करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, shine.com पे न केवल आप इंडिया के जॉब्स को ही पा सकते हैं या ढूंढ सकते हैं, ये गल्फ कंट्री के कंपनीज के भी जॉब को अपने ऊपर पब्लिश करती है। तो आपको इस shine.com पे एक फायदा ये मिलता है कि आप गल्फ कंट्रीज के जॉब को भी इस पे सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के दिन में हर कोई अपने आप को किसी न किसी जॉब पोर्टल पे रजिस्टर करता है, अपना प्रोफाइल बनाता है। तो मेरी सलाह आपको ये है कि जब आपने मेहनत किया ही है तो एक जॉब पोर्टल पे क्यों, सभी जॉब पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। आपको मेहनत करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप प्रोफाइल बना रखा है और रजिस्ट्रेशन कर रखा है। करीब करीब हर जॉब पोर्टल पे एक ही इंफॉर्मेशन देना है, तो आप उस पे भी यानी कि हर तरह के जॉब पोर्टल पे जाकर अपना प्रोफाइल बनाएं और अपने को रजिस्टर करें। आपका कोई मेहनत तो लगेगा नहीं भाई, ये सीधी सी बात है, न हींग लगे न फिटकीरी और रंग भी लिखले चोक। ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनियां जो हैं वो हर जब पोर्टल पे अपने वैकेंसीज को एडवर्टाइज नहीं करती। कोई जॉब पोर्टल किसी कंपनी के सेक्टर के लिए अच्छा है, कोई दूसरा दूसरे के लिए। साथ ही कंपनियां कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट पे जाती हैं तो वो कॉस्ट बार्गेन करके जहां भी उनको अपना अच्छा कॉस्ट मिलेगा वहां एडवर्टाइज करेंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे आप अगर आप एक ही पर रजिस्टर्ड हैं। और अगर आप सभी पर रजिस्टर्ड हैं तो जिस पे भी एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी की आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जब आप सर्च करेंगे तो आप उसे देख लेंगे और उसे अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरी एक आपसे सलाह है कि अपनी विजिबिलिटी बनाने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को हर जॉब पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहिए। क्योंकि आपने अगर एक पे किया है तो मेहनत तो आपने की ही है, उसी मेहनत का आप और जॉब पोर्टल पर रजिस्टर करके लाभ उठा लीजिए। दोस्तों, तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जहाँ पे हमारे दोस्त और कुलीग मिस्टर नितिन जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह के एक्सपर्ट हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना shine.com पे बताएंगे और आपको समझाएंगे कि आप अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो ओवर टू मिस्टर नितिन। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। आज हम बात करेंगे एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल के बारे में जो कि इसका नाम है shine.com। इस shine.com में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, कैसे प्रोफाइल बनाएं, कैसे रिज्यूम अपडेट करें इसमें और अपना कैसे यहाँ पे जॉब सर्च करें और जॉब पे अप्लाई करें। तो ये सब देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए आखिर तक। अब हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे जहाँ पे ये सब चीज़ें जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो एड्रेस बार में हम यहाँ पे shine.com लिखेंगे। shine.com लिखने के बाद एंटर मारेंगे। ये जो shine.com की साइट जो है ये ओपन हो चुकी है। अगर उस पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप इसके अंदर जॉब्स जो है ब्राउज कर सकते हैं, उन जॉब्स को कैटेगरी वाइज
यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि इंडस्ट्री टाइप में, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, रिक्रूटमेंट सर्विस, बीपीओ, कॉल सेंटर्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, और फिर ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, लोकेशन वाइज डिवाइड किया हुआ है, डेग्नेशन वाइज डिवाइड किया हुआ है, और स्किल वाइज भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो कैटेगरी है इनकी जॉब की, जिसमें कि सभी तरह के लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए हम जानते हैं इसमें कैसे हम इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो फ्री है उसके बटन पे हम क्लिक करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक जो प्रोडक्ट है, मतलब पोर्टल है, ये हिंदुस्तान टाइम्स का एक वेंचर है। तो जहाँ पर क्या नाम है, जो ये 3 लाख लाइव जॉब्स हैं, 14,000 रिक्रूटर्स हैं, और ये करीब 3 करोड़ जॉब सीकर यहाँ पे रजिस्टर हैं, जिनको ये जॉब दिला चुकी हैं। तो आइए अब इसके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारे से इनसे हमसे ईमेल आईडी मांगता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये हमने ईमेल आईडी डाल दी, और अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। अपना पासवर्ड आप स्ट्रांग ही रखिएगा, जिससे कि आपका कोई प्रोफाइल हैक ना कर सके। तो यहाँ पासवर्ड डाल दिया है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे साइनअप का बटन है, साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे। साइनअप के बटन पर क्लिक करते ही हम जो है, हमारे पास ये एक सी एक विंडो खुल जाती है, जहाँ पे हमसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है कि आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल और स्किल्स आपके क्या हैं। तो हम यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे नाम पहले डालते हैं, और यहाँ पे सिटी डालते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसको 0 ही रहने दीजिए। और यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर पर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे एजुकेशन में आपकी जो हायर एजुकेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन, वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप 10+2 और बिलो, उनसे मतलब कि 12वीं 10वीं तक के यहाँ पे जॉब सीकर्स के लिए, मतलब कि जो जॉब ढूंढ रहे हैं हमारे कैंडिडेट, उनके लिए भी जॉब है। और एक हाईएस्ट यहाँ पे जो डिग्री दी गई है, PhD, डॉक्टरेट, उनके लिए भी यहाँ पे जॉब्स यहाँ अवेलेबल है। मतलब कि सारे के सारे एजुकेशन लेवल को ये वेबसाइट जो है कवर करती है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहता है कि इंडस्ट्री का नेम सेलेक्ट कीजिए, इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कीजिए आपने, जिस इंस्टीट्यूट से यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जो कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का नाम साथ में, और आपसे पूछ रहा है कि पासिंग ईयर क्या है, तो आप अपना पासिंग ईयर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका जो कोर्स का टाइप था क्या था, फुल टाइम, पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पे अपना टाइप सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे जो है आपके स्किल्स पूछ रहा है कि आपके अपने स्किल्स, तो यहाँ पे जो है मैं अपने स्किल्स डाल देता हूँ। और जैसे मैंने एक अपना स्किल डाला, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है सजेशन में मेरे और अदर जो है स्किल्स यहाँ पे आ गए हैं, उनको यहाँ पे आप उस तरीके से आपके अपने स्किल्स जो है सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ स्किल्स सेलेक्ट कर लिया, इसके आप कम से कम मिनिमम यहाँ पे 5 स्किल्स सेलेक्ट करने होते हैं, तो आप रिक्वायर्ड है मिनिमम 3 रिक्वायर्ड है, और आप यहाँ पे 3 से हम ज़्यादा सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद अब वो पूछ रहा है कि यू आर अ जस्ट अवे, अपलोड योर रिज्यूम एंड आर यू डन। तो हम यहाँ पे रिज्यूम अपडेट करेंगे इस बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे कह रहा है सक्सेसफुली यू आर रजिस्टर्ड, यू रिसीव 4 टाइम कॉल। यहाँ पे आपके फ़ोन पे जो है कॉल आएगी 4 बार, जिससे कि आपका फ़ोन का वेरिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास कॉल आ गई और इसको मैंने वेरीफाई कर दिया है। तो हम यहाँ पे हमसे कीवर्ड मांग रहा है कि आप अपना एक कीवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। हम यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देते हैं,
डालने के बाद क्रिएट माई जॉब अलर्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी मेरे जितना भी मैंने अभी प्रोफाइल बनाया है, मेरे उस प्रोफाइल से मैच जो जॉब्स हैं यहाँ पे शो कर रही है। तो मगर हम यहाँ पे चलेंगे प्रोफाइल वाले सेक्शन में, हमारे प्रोफाइल पे अगर अपना प्रोफाइल देख लेते हैं। हमने अपना रिज्यूम जो है वो अपडेट कर दिया है, अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे डाल दी है, वर्क समरी डाल दी है। अगर आपके पास कोई पास्ट वर्क के बारे में अगर कुछ है वर्क समरी तो आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। पास्ट अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट है तो आप यहाँ पे, जैसे कि अपनी अपने आप यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर दिए। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और स्किल्स है तो और भी यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। और सर्टिफिकेशन में भी आप अपना जो कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वगैरह आपने किया है उसका कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी कोई डिज़ायर जॉब की डिटेल है कि आपकी कोई मनचाही जॉब है उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्म कर दीजिए। आपका प्रोफाइल से मैचिंग ये आप जो अपनी डिज़ायर जॉब यहाँ पर डालते हैं, इन्हीं सारी डिटेल्स को जो shine.com का एल्गोरिदम है पढ़ता है, उसके बाद उसी से रिलेटेड आपको जॉब्स जो है सर्च करके आपके पैनल पे, जैसे कि आप हम यहाँ पर आएंगे क्लिक करेंगे तो हम जैसे कि यहाँ पर आ गए हैं तो हमको उसी हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड ही यहाँ पे जॉब जो है नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर और जॉब भी आप सर्च कर सकते हैं। कैसे कि आप सर्च बार में क्लिक करके, जैसे कि मुझको जॉब चाहिए इंटरनेट मार्केटिंग में, मार्केटिंग की, इंटरनेट मार्केटिंग की, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और भी यहाँ पे कह रहे हैं सर्च इंजन मार्केटिंग की, डिस्प्ले मार्केटिंग की, तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके और अपनी लोकेशन यहाँ डाल दीजिए। एक्सपीरियंस आप जितना आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं तो फ्रेशर है तो यहाँ पे तो जीरो सेलेक्ट करिए और यहाँ के सर्च के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सर्च के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो जॉब है ये इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, फ्रेशर है इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग की एनालिटिक की जॉब है। कैसे करके आपको यहाँ पे बहुत सारी जो जॉब्स है दिखाई देने लगेंगी। आप क्या करेंगे, यहाँ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, डिज़ायर प्रोफाइल बताई गई है कि इस कैंडिडेट की कैसे क्या क्या प्रोफाइल और क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, और कुछ अदर डिटेल्स दी गई हैं। उनका डिपार्टमेंट बताया गया है, इंडस्ट्री कौन सी है ये बताई गई है, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, और आपके जो रिक्रूटर की डिटेल बताई गई है यहाँ पे। तो आपका प्रोफाइल अगर इस जॉब से मैच करता है तो आप अप्लाई, हमें जो इसका अप्लाई जो अप्लाई करना होगा वो इसकी वेबसाइट पे आके आप इनको कॉल करके अप्लाई नाउ का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जॉब दिए गए हैं, आप इसको आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस यहाँ पे इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट कंपनी की जॉब है ये। तो आज के लिए इतना ही। अभी हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आप कैसे इसके अंदर रजिस्टर करेंगे, कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे और कैसे अपनी प्रोफाइल में और भी चीज़ इंफॉर्मेशन फिल करके अपनी जो डिज़ायर जॉब है वो पा सकते हैं, और हम जॉब कैसे सर्च करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको कोई अगर इसके अंदर परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा कि उसमें क्या सलूशन है, या उसके लिए आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको मिस्टर नितिन द्वारा बताया हुआ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा और आपने उसको नोट कर लिया होगा। हम लोगों ने कई पोर्टल्स पे अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां भी जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें उस लिंक पे क्लिक करके।
दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इसके कमेंट बॉक्स में जाकर यह लिखें कि आपको क्यों ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपका कोई सवाल या क्वेरी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हमें उम्मीद है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो एक ड्रॉपआउट मिलेगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आप दबा दें ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो और उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का हमारा केवल एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब पाने में मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ जॉब और हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब।